दिगंबर होते हैं, नंगे रूने दिखाई जाते हैं मंदिरों में, और श्वेतांबर होते हैं उसे कपड़ा पहने हुए दिखाई जाते हैं, उनको नीचे दिखाते हैं श्वेतांबर मंदिर वालों को, और दिगंबरों को ऊंचा दिखाते हैं। ऊंचा किस लिए दिखाते हैं? क्योंकि उनकी यह आकारी ऊंची स्टेज है। इसलिए जो ऊंचे हैं उनको पहले स्नान, और जो नीचे स्टेज वाले हैं उनका बाद में स्नान होता है। कहाँ किया अगर संगम युग में जो बीचे वाले हैं वो एडवांस ज्ञान बाद में उठाएंगे तो सही, वो बाद में स्नान करेंगे। और जो रुद्रमाला वाले निराकारी स्टेज वाले हैं वो पहले स्नान करते हैं। कुंभ मेले की यादगार है, सत्य भामा और रुक्मणी यही सब रानियों का गायन है, और रानियों का गायन है। राधा का जिक्र तो प्रेम ही के रूप में आता है,
महारानी है। इसका क्या मतलब? वो पट रानी है, पट में जाके गिरती है, दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हो जाती है, इसलिए उनकी इतनी पूजा नहीं है संघ में, साथ में तो पूरा साथ नहीं दे पाती, बीच में उल्टी हो जाती है। कोई न कोई धर्म वालों के प्रभाव में आ जाती है। और राधा, राधा सच्ची प्रेयसी है, वो कोई के प्रभाव में नहीं आती, तो किसी की प्रजा नहीं बनती, तो आज के अंत तक साथी सहयोगी बन करके रहती। प्रदर्शनी तो वाले लगाते हैं ना, आप एडवांस से प्रदर्शनी लगाना चाहिए। चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी लगाओ, आपकी बुद्धि में तो चैतन्य चित्र बैठे हुए हैं। ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, थोड़े दिनों बाद अष्टदेव कौन है, वो भी बुद्धि में बैठ जाएंगे। आप चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी सुनाओ और उनका प्रैक्टिकल प्रूफ दो, ये नरसिंह नारायण कैसे बनते, पूरी हिस्ट्री बताओ। बाबा बकरी है और शेरनी हो अपने का हिम्मत रखो, सैलरी वाली का गलती करने जाओ। अभी तो सरकार ने भी इतना स्वतंत्रता दी है कन्याओं को, 18 साल की कन्याओं को कोई जाने आने से कहीं भी रोक टोक नहीं कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता सभी को है। तो बाबा से मिल पाऊंगी तो बाबा तो कर उसे कहना, बाबा ने बोला है त्रिमूर्ति में एक है शेर, एक है बकरी, एक है घोड़ा, तुम कौन सी कुल्फी है? विष्णु है बकरी, शंकर है शेर और ब्रह्मा है घोड़ा। ब्रह्मा है मनरूपी घोड़ा, उसको लगाम में लगा के रखेंगे तो ठीक चाल चलेगा, बकरी को फॉलो करेंगे तो बकरी बन जाएंगे। फिर हम कैसे कैसे मिले बाबा? जैसे भक्ति सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में आती है, वैसे ही ज्ञान भी चार अवस्थाओं से प्रसार होती है, वो समझाइए बाबा। यज्ञ के आदि में जो निकले थे उस समय का उमंग उत्साह उनमें आज देखा जाता है? नहीं देखा जाता है, बेसिक वालों में भी नहीं देखा जाता है। ऐसे ही एडवांस में जब आप शुरू शुरुआत में एडवांस में आए थे उस समय का उमंग उत्साह और आज के पुरुषार्थ में क्या अंतर है? भगवान के बनते हैं तो नशा बहुत ऊंचा चढ़ जाता है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि ज्ञान भी सुनते जाते हैं, सुनते सुनते अवज्ञान भी करते जाते हैं, सब गुना बोझ भी चढ़ता जाता है, तो आत्मा नीचे गिरती जाती है। काली तुलसी ने संगम युग में ऐसा पार्ट बजाया होगा कि शुरुआत में सहयोग दिया और फिर उसके बाद भगवान के मंदिर में से निकल करके बाहर चली गई होगी कांटों के जंगल में, कांटों के बीच रहती होगी, वही फलती फूलती होगी। इसलिए उसको कांटों के जंगल में सिखाते हैं। और जो हरी तुलसी है, हरी तुलसी उसको अंदर दिखाते हैं। बाबा द्वापर में जो राजाएं निकले थे जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, अब ऐसा समय आने वाला है जो पतित राजाएं छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, यानी रानियां जो ऐसे निकलेंगी जो राजाओं को छोड़कर भागेंगी, तो अभी होगा बाबा जी? एडवांस में हो और चाहे बेसिक में हो, जो भी पुरुषार्थी भाई लोग हैं उनके अंदर में ही तो है सब, अभी अंदर में है या बाहर है?
अभी कंट्रोल में है, भाइयों के कंट्रोल में है, बहन है, माता है, या कंट्रोल से बाहर है? कंट्रोल में, कंट्रोल के अंदर है। भगवान को तो जानती ही नहीं, जब भगवान को जानती नहीं, भाइयों के अंदर भी कंट्रोल चल रही है, लेकिन जब उनको ज्ञान मिल जाएगा असली, तो क्या करेंगे? हाँ, कंट्रोल में भागेंगे। और राजा है, उनको राजाओं की परवाह नहीं करेंगे। धरो अपनी धर्मशाला, हम चले वतन की ओर। ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची, फिर वो अच्छा नहीं लगा तो बिगाड़ दिया, फिर दूसरी सृष्टि रची वो भी अच्छा नहीं है, फिर बिगाड़ दिया, फिर तीसरी सृष्टि रची वो भी अच्छा नहीं है, और चौथा चौथी पसंद है। तो कौन सा ये चारों, मतलब कौन पहले प्रेम प्रेम कांता है, पहले आदमी नहीं रची थी? हाँ हाँ, वो यदि की याद में रची थी, असर घुस पड़े, ब्रह्मा की गोदी में पलने लगे, तो नहीं पसंद आई ना। फिर दोबारा शुरू होता है एडवांस ज्ञान, एडवांस ज्ञान में भी सच्ची रची जाती है। तो जो जो युगों की जो वर्ण है, सत्युग का देवता वर्ण, त्रेता का क्षत्रिय वर्ण, द्वापर का वैश्य वर्ण, कलयुग के शूद्र वर्ण, इन चारों की शूटिंग चार बार होती है, और चारों प्रकार की शूटिंग में वो प्रत्यक्षता होती है। नहीं सची रचने की पसंद नहीं आती है, तो तीन बार पसंद नहीं आई, चौथी में हम पूरा हो गया। चौथी बार रची जाती है, फिर बैठो भी नहीं निकल आती है, संपन्न हो जाता है। हुआ है, और जिसे जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, सब ऐसा कुछ नहीं, तो जो लेना चाहते हैं। ये कहा कि दो तीन सीट फिक्स हुई है अष्टदेवों में, उसके बाद अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, माने छह अभी और रह गए हैं प्रत्यक्ष होने के लिए। उन नंबरों में अगर कोई आना चाहे, लेना चाहे, तो ले सकता है। हाँ जी, हाँ जी, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी पुरुषार्थ करके कोई नंबर अष्टदेवों में ले सकता है, धर्मराज की सजाओं से बच सकता है। बाबा, कुंभ मेला 12 साल में, क्योंकि यहाँ यदि में भी हर 12वें साल आकर के कोई नया उपक्रम शुरू हो जाता है, जैसे 75 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 90 में फिर त्रेतावी की शूटिंग शुरू हो गई, वो त्रेतावी की शूटिंग समाप्त हुई और द्वापर की शूटिंग शुरू हो गई, माने ब्रह्मा की सोल जो 100 साल आय पूरी करती है, दादा लेखराज वाली, और 100 साल उनके मृत्युलोक में पूरे होते हैं और अमर लोक में उनका पाठ शुरू हो जाता है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण का छोटा सा चित्र बनाते हैं और गर्भ महल में बड़े आराम से उसे दिखाते हैं, तो वो आत्मा गर्भ महल में प्रवेश कर जाती है नई दुनिया में। 12 साल का ये स्वरूप दिखाया गया है, उसकी यादगार जगन्नाथ मंदिर में दिखाते हैं कि 12 वर्ष की लकड़ी होती है, वो नदी में पड़ी रहती है, 12 वर्ष बाद जब पक जाती है अच्छी तरह, तब उसको निकाल करके उसके नाक कान बना देते हैं, उसके मंदिर में स्थापित कर देते हैं। बाबा जी, तो धर्म के कार्य हैं तो वो अभी संभव युग में, मतलब एडवांस में भी नहीं है और बेसिक में भी नहीं, वो मतलब लास्ट में बात, मतलब साक्षात्कार के बेस पे वो नहीं है, लेकिन उनके आधार और बीजू पात्रा तो है, तो उन्हीं की यादगार में बनता है, क्योंकि जो ऊपर से आने वाली आत्मा वो तो देखने में नहीं आती, जिसमें प्रवेश करती है वो आधारभूत तो हमारे यज्ञ में है, बीजरूपी हमारे यज्ञ में है।
तो धर्म गोस्वामी में ज्ञान कहाँ से आता है? ये जो आत्माएं आधारभूत और बीज रूप आत्माएं हैं, जब बीज रूप आत्माएं जिस धर्म की बीज रूप आत्माएं होंगी उस धर्म के आधार मूर्तों में मिल जाएंगी, और वो आधार मूर्त जो है वो उन ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं में प्रवेश करके पाठ बजाएंगे, तो उनको भी ज्ञान मिल जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। वहाँ उन्होंने प्रवेश किया, यहाँ ये प्रवेश उन्होंने करें। कृष्ण का जन्म कंस की जेल में होता है। कंस की जेल से जन्म लेने के बाद यमुना नदी से उसे क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ विकारी सर्प कार्य नाग रहता है। इसका मतलब यमुना नदी जो है काली दिखाई जाती है, माने यमुना का जो पार्ट है काला पार्ट है, काला माने व्यभिचारी, उसमें कृष्ण का पिता क्रॉस कराता है नदी। जब जेल से कृतज्ञता होती है तो उनका बाप उनको नदी पार कराता है, टोकरी में लग के रख के ले जाता है। तो ज्ञान की टोकरी है, पिता कोई दूसरा नहीं है, राम वाली आत्मा ही पिता है, जिसे वसुदेव कहा गया है। वसु माना धन संपत्ति, देव माना देने वाला। ज्ञान की टोकरी में रख करके उसे नदी पार पार कराता है, और फिर वो पालिया नाग जो उसमें रहता है यमुना नदी में, यमुना नदी में जो पालिया नाग रहता है कोई दूसरे थोड़े ही है, वो कामी क्रोधी लोभ में ये अहंकारी वो इसके ऊपर आधिपत्य जमा लेते हैं। उसमें कृष्ण को दिखाते हैं कि कालिया नाग वो नाग के ऊपर वो आराम से डांस करता हुआ प्रत्यक्षता होता है, प्रत्यक्ष होता है। डांस जो है वो प्रत्यक्षता की निशानी है कि पांच विकारों को जीत की आत्मा में वशीभूत कर लेती है, लगाम लगा देती है। बस कंस की बात आई तो इस दिमाग में ऐसे आई कि बताया कि कृष्ण ही कंस, बाद में कंस बनता है, राम रावण बनता है, तो ये मथुरा में जो कंस किला है वो किस याद का, वो क्या है, मतलब क्या है कंस किला है, एक कंस किला। हाँ जी, तो वो क्या है कंस किला, क्या है वहाँ तो कृष्ण का जन्म ही दिखाया गया है। कंस किला एक अलग से बना, नहीं नहीं, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है वहाँ मुसलमान की मुसलमान की मस्जिद भी बनी हुई है। कंस किला 10 साल रहा कंस किला वहाँ पर है, तो वो किस बात की, वो मुसलमानों की जो मस्जिद बनी हुई है वो किस बात की यादगार है कि जहाँ कृष्ण का जन्म होता है वहाँ मुसलमानों का राज्य भी होता है, वहीं से प्रत्यक्ष होता है। वहीं पर उसका मतलब कृष्ण के जन्म का स्थान भी है, ठिकाने में जाके जन्मारायण सात नारायण है। कृष्ण पहले सात नारायण जो है वो ब्रह्म कुमारी आश्रम में सरेंडर हो जाते हैं और उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है कंस। एक बच्चा बच जाता है, कुसारे से बाहर निकल आता है, वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया। किसके कंट्रोल से? कंस के कंट्रोल से। तो वो उस विकारों की जेल में फंसता नहीं है, और बाकी सातों नारायण अभी भी फंसे हुए हैं। माला जब बनाई जाती है तो धागा होता है, तो धागा किस चीज का होगा? एक तो धागे दो होते हैं, एक धागे से नहीं बनती माला, दो धागे होते हैं, एक होता है स्नेह का धागा और एक होता है याद का धागा। स्नेह और याद, नहीं नहीं, एक होता है स्नेह, याद और स्नेह तो एक ही बात होगी, स्नेह का धागा और दूसरा ज्ञान का धागा। हाँ, दोनों धागे मिलकर के माला तैयार होती है। बाबा, ये एडवांस में दोनों किस्म के बच्चे हैं, जैसे जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और समय आने पर कारण या कारण है वो शरीर छोड़ देते हैं। उनका एम है कंचन काया बनाना। शरीर छोड़ने के बाद
दोबारा जन्म लेंगे, ठीक है, एडवांस भी लेंगे, कंचन काया बनाना उनका है, मतलब कंचन काया ही बनाएंगे, लेकिन वो क्या देवी देवता के माँ बाप बन पाएंगे? क्योंकि सब जो कुछ लोग 30 में जाके जन्म लेते हैं, तो 6 साल बाकी बचे, आगे कैसे बनते हैं? एक डिस्कशन है बाबा, हमने बताया कि सतयुग में देवताओं का ना बचपना होता है ना वृद्धावस्था होती है, और तो फिर लेकिन राम और कृष्ण का तो बचपना, वो तो भक्ति मार्ग की संगम की बात है, तो ये संगम युग की बात है, संगम युग की बात है, तो शास्त्रों में दिखाई गई है राम कृष्ण के लिए, लेकिन सतयुग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री नहीं है। मरना उसको कहा जाता है जो जबरदस्ती दिल कोरे आते हैं, मरना नहीं चाहता तो मारा जाता है, वहाँ कोई शिक्षा के इच्छा मुक्ति होती है, जब चाहते हैं जैसे सर्प आसानी से कैसे त्याग देता है, वैसे वहाँ अपना शरीर त्याग देते हैं और नया शरीर ले लेते हैं, को मरना नहीं कहा जाता है। दुनिया में आजकल मरते हैं कितने हिलकोरे आते हैं, जिसकी आती है जैसे मरना नहीं चाहता है फिर भी मर रहा है, तो उसको मरना कहा जाता है। मरना कौन चाहता है? मरना तो कोई भी नहीं चाहता, तो बाप तुमको जी जीते जी मरना सिखाते हैं, यहाँ जो जीते जी मरने की कला सीख लेंगे वो एक चीज जन तक जीते जी अपना शरीर शिक्षा दे छोड़ के छोड़े पुराने शरीर का क्या करना है? अच्छे युग में क्यों छोड़े? अच्छे युग में भी तो शरीर तो चार अवस्थाओं से गुजरेगा ना, सात्विक से सातु सामान्य रजो और तमो सत्य में भी अवस्था तो बनेगी ना, शरीर की अवस्थाएं होंगी भी नहीं चार पांच, लेकिन वो अवस्थाएं दिखाई नहीं पड़ेंगी, कि पता नहीं चलेगा कि ये बचपन है, जैसे गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा हुआ और उछलने लगा दौड़ने लगा, मनुष्य का बच्चा क्यों तो उसने 2-3 साल पालने में पड़ा रहता है, अब एक विभीषण तो गाय एक तो या तो अभी संगम युग में तो बहुत सारे विभीषण हो गए, अभी माने विशेष भीषण माने भयंकर, अपने परिवार की कुल की सारी बातें जानते हैं, जानने के बावजूद भी फिर राम के पक्ष में चले जाते हैं और राम को सारी वहाँ के रहस्य बता देते हैं रावण के घराने के, इसलिए विशेष भयंकर वो है जो घर की बात बाहर बता देता है, घर का भेदी बाबा एक राम का बेटा, अगर भक्ति मार्ग में बोलते हैं एक राम लटक में बैठा, एक राम है सकल सतारा और एक राम है लटके में आता, वो भक्ति मार्ग में भी घूमते रहते हैं, राम तो एक ही है चार चार थोड़ी भक्ति मार्ग में, उसको भगवत व्यापी ले लिया है तो भगवत व्यापी तो होता नहीं, हाँ उसकी याद हर एक के दिल में समाय जाती है, वो भी राम पर्सनलिटी एक ही है, हाँ एक के चार बातें बना दी, एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है, उसमें निराकार भी है वो साकार भी है, सारी दुनिया के दिल में रमण करता भी है और वो बीज भी है, जैसे सारी दुनिया का पसारा फैल जाता है जैसे बीज में से सारा विस्तार हो जाता है जड़ का, बाबा ओ ब्रह्मा के संकल्प से 100 बार सृष्टि रची, लक्ष्मी से पूरा काम हो गया बोले, तो तीसरा राम कौन है? क्या हो तो रहा है अभी? वो नाम क्या कौन है? कौन है तो एक ही, एक ही रूप तो है, ब्रह्मा के जो चार रूप बताए गए पहले तो एक ही की आज वाला प्रजापिता एक रूप हो गया, दोबारा सृष्टि रची गई, दो रूप हो गए,
फिर तीसरा रूप हुआ, अब चौथा रूप आने वाला। जैसे शूटिंग जब आदि का आपके शूटिंग जब करते हैं पिक्चर की, जब तक पूरी डायरेक्टर के तालमेल में नहीं बैठे तब तक होती रहती है। हाँ, हाँ, उसी तरीके से ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। वार्तालाप 42 में बाबा ने गणेश ब्रह्मा बाबा के लिए और हनुमान राम वाली आत्मा के लिए बोला है, और विसिंग 362 में गणेश और हनुमान दोनों ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है, इसका राज गणेश हनुमान जानवर के अवतार है या मनुष्य अवतार है? तो जानवर है मैंने ब्रह्मा की सुन ली। जब तव प्रधान गदी प्रधान बनती है तो सीढ़ी में चित्र दिखाया गया हनुमान का। द्वापर की शुरुआत में थोड़ी हनुमान का चित्र है, हनुमान गणेश का जो पूजा है वो द्वापर में थोड़ी दिखाई जाती है, कब दिखाई जाती है? तो प्रधान बनते हैं तो विकारों की पूज दिखाई गई हनुमान को। तो ब्रह्मा बाबा जीवन चरित्र थोड़ा ही है सर, लेकिन वो उसमें प्रवेश करता है। लेकिन अभी भी बोलते ना हनुमान अभी भी सरकार में है, जितने भी मंदिर जाओ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जैसे भक्ति मारते कहते हैं। वो यादगार कहाँ की कहते हैं भी, जब कलयुग की सूची होती है तो सारी दुनिया में वो आग लगाता है, ब्राह्मण की दुनिया में आग लगती है ना, हनुमान की पूछ विकारों की उसमें कौन से कपड़े बांधे जाते हैं? जय हनुमान जी के कपड़े बांधे जाते हैं, कितने कपड़े बांधे जाते हैं? रहा न बसन नगर घट तेला, बारी पूछ कीन तपि खेला। हनुमान की रावण की लंका में न तो ज्ञान का तेल बचा और न वस्त्र बचे, सारे वस्त्र उसकी पूछ में लपेट दिए गए और पूछ लकड़ी होती है। वो वस्त्र कौन से थे? दे अभिमान होता है तो दे अभिमान के वस्त्र उसमें लपेट दिए गए और फिर उसमें काम विकार की आग लगा दी गई। फिर क्या हुआ? सारे ही कपड़े जल गए और लंका 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 सारी जल गई, गए नहीं था बाप। उसकी मारी कथाएं रोज बनाएंगी। अब इसका बेहद भी क्या अर्थ होगा कि वो जो पुल बनाया था राम ने रावण लंका में जाने के लिए, वो जो पुल बनाया पत्थर बुद्धि तो थे, लेकिन ऐसे पत्थर बुद्धि थे जो पानी के ऊपर तैरते रहते थे। पत्थर तो थे लेकिन बहुत हल्के थे, ज्यादा भारी पत्थर नहीं थे। कुछ पत्थर ऐसे होते जो ऊपर तैरते रहते थे, हल्के पत्थर बुद्धि थे, ज्यादा पत्थर बुद्धि नहीं थे। उनका पुल बनाया गया, सारे बंदर ऐसे नहीं थे, सिर्फ दो ही बंदर ऐसे थे, नल और नील आदि थे। अष्टदेव में चंद्रवंश का बीज को जो जगदम्बा से भी श्रेष्ठ और विजयमाला की हेड से भी श्रेष्ठ होगा, जो विजयमाला है वो सूर्यवंशियों की माला है कि खेत चंद्रवंशियों की माला है? चंद्रवंशियों की माला है। और जो अष्टदेव है वो थोड़े सूर्यवंशी है, तो ज्यादा ऊंचे कौन हुए? सूर्यवंशी ज्यादा ऊंचे हो गए। जो सूर्यवंशी ज्यादा ऊंचे हैं उनमें भी सूर्य को तो छोड़ दो, वो तो सूर्य है ही, लेकिन और धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाला फाउंडर कौन है? पहला फाउंडर
जो एंसियों ने जो आठ है वो किया, उनमें पहला तो सूर्य है ही, उसके अलावा जो और धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाला बीज है वो कौन सा है? अष्टदेव और सूर्यवंशियों का बाबा बाबा ही बीज है ना, तो सारी का बीज है, बात छोड़ दो। लेकिन खास करके जो चंद्रवंशियों का फाउंडेशन लगाता है, चाहे वो विजयमाला में चंद्रवंशी मुख्य हो छोटी बम्मा, और चाहे वो रुद्रमाला में कोई मड़का हो कि नहीं, चंद्रवंशियों का बीज वो कौन है? जगदम्बा, उसका भी फाउंडेशन लगता है। इसलिए अद्वैतवाणी में बोला है अष्टदेवों से, इन्हीं एक दो वर्षों की वाणी के अंदर बोला है अद्वैतवाणी में कि तुम बच्चे हो दीदी दादियों को भी श्रृंगार करने वाले, तो फिर उनके भी फाउंडर हुए ना। आज में तुमने उनका श्रृंगार किया है तो आज में तो अंत में ज्ञान रत्न श्रृंगार करेंगे। उनका संग मम्मा का वो हरी मम्मी का श्रृंगार करने वाला कौन हुआ फिर? सूर्यवंशियों में से होगा या कोई और वंशों में से होगा? शिव जी क्या तपस्या हो रही है? माता जी का वोट नहीं रखता आराम से बैठो, अपना तो सहज राज्य हुआ है, कोई कठिन राज्य लेकिन हड्डियों कभी नहीं किया जाता, अरे 2500 साल किया जाता है। महाकाल में कौन कौन सी आत्माओं का मिश्रण है? महाकाल में कौन कौन सी आत्माओं का मिश्रण? महाकाल और महाकाली महाकाली है पुरुष, महाकाली है जगदम्बा। जब महाकाल का पाठ बजाते हैं तो असल संहारिणी रूप स्त्री रूप गाया जाता है, ये आत्मसंहारी देवता गाया जाता है, गाया जाता है आत्मसंहारी के रूप से, जगत माता महाकाली का रूप धारण करती है, नहीं तो शंकर के ऊपर दोष आ जाए, दोष आवाज आ जावे तो फिर शंकर देवता बन रहा है तो पापात्मा बन जाएगा। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, कहते हैं शंकर की प्रेरणा से विनाश होता है, शक्तियां हैं तो क्या बिंदु की शक्तियां हैं? शक्तियां साकार हैं या निराकार हैं? साकार हैं तो किसकी शक्ति है? वो शिव है जो निराकार स्टेज वाला है, उसकी शक्तियां हैं शिव शक्ति। एक को लव करता है किसी को लव करता ही नहीं, 500 करोड़ में किसी को और किसी को अंदर नहीं लव करता है, एक को लव करने वाला है, एक लव जो है एक को लव करने वाला है और किसी को लव करने वाला है ही नहीं, एक कौन है जिसको लव करता है? शिव बाबा, खुद ही शिव बाबा है, बाबा तो खाई जाता है निराकार साकार की मेल को, हाँ एक शिव बाप हमारे लिए, एक शिव बाबा एक नदी की
उसको अंदर रह करके पढ़ाई जाती कौरवों ने एकलव्य को पढ़ाई नहीं पढ़ने दी स्वार्थी थे कि वो आगे निकल जाएगा तो अर्जुन कैसे अंगूठा कर दिया गुरु ने अंगूठा कर दिया अंगूठा बाबू वो उसका क्या मतलब इसका क्या भी नहीं होगा कि जब एक एकलव्य ने वो श्वान मार के जा रहा था उसके मुंह में एकदम बाण एकदम इतने सारे उनके उसको डिस्टर्ब कर रहा था तो खूब सारे बाण मारे पूरे मुंह में चले गए तो उस चीज का क्या मतलब है कि जो मुंह से बोलता हो उसको रोक दो इस्लामी है मुसलमान है और उनसे पैदा हुए जितने क्रिश्चियन आदि हैं वो सब ग्लानी बहुत करते हैं इसकी भगवान की बहुत ग्लानी करते हैं बहुत भोगते हैं कैसे कुत्ते की तरह भोग कर रहे थे कलम की तरह तिखारी कुत्ते भोग रहे थे तो जो ज्यादा भोगते हैं उसमें कोई कुत्ता होगा सबसे ज्यादा बड़ा कुछ भोगने वाला कुत्ते की मन में इतने ज्ञान की बाण भर दिए उसका भोगना अभी तो आपने डिस्कशन में कहा कि अभी सबके चेहरे प्रत्यक्ष होंगे सबके राक्षसी चेहरे और दैवी चेहरे प्रत्यक्ष होंगे और फिर चैतन्य मूर्तियां जब निकलेगी तो कन्याओं और माताओं से जो छोटी छोटी कन्याओं माताओं से उसको ज्ञान तो बड़े बड़े साधु संन्यासी भी हस्तगत रह जाएंगे तो ये अभी ये गायन होने वाला है शरीर को मैं तो नहीं देते मतलब उसको उतना ध्यान नहीं देते ध्यान नहीं देते जितना मुकुट का ध्यान देते जिम्मेवारी उठाई होगी कृष्ण की आत्मा ने जिम्मेवारी उठाई होगी वो ध्यान देते मुकुट को ध्यान देते मतलब जिम्मेवारी जो कृष्ण ने उठाई वो राम की आत्मा ने नहीं उठाई है खड़ा होगा भगवत मतलब कृष्ण जगह ज्यादा एकदम जोश मनाते हैं राम को स्थापन होगा तो जो स्वर्ग की स्थापना करने में निमित्त बनने वाला कृष्ण है जो निमित्त बनने वाला कृष्ण है वो किधर तो बाद में स्थापन होगा पहले तो कृष्ण की गोपियां जो पुष्प को साठ करने वाली है 16108 वो किधर जो कृष्ण पीछे भागती है रहना चाहिए ना कृष्ण भी होना चाहिए भागने वाली गोपियां भी होनी चाहिए वो कहाँ नहीं हुआ
या है ही नहीं, तो फिर तो बात झूठी हो जाती है। बाबा सही बात समझ में नहीं आता, इतना क्लियर ज्ञान है। अब ज्ञान नदियाँ जो बताई है वो चैतन्य है या जल नदी है? चैतन्य वो चैतन्य नदी कहाँ है? यमुना नदी यमुना नदी के किनारे कृष्ण को दिखाया है और राम को गंगा नदी के किनारे दिखाया है। गंगा नदी के किनारे छोड़ा कहाँ है? कृष्ण की यमुना नदी के किनारे और छोड़ा कहाँ है? वो दोनों ये है, वो दोनों छोड़ा है कहाँ? कृष्ण को भी तो छोड़ा दिखाते हैं। जानते हैं कि वो हमारे कुल के नहीं, लेकिन समझने तो आना चाहिए। कोई फूल माँ को ज्यादा पकड़ता है, कोई फूल बाप को ज्यादा पकड़ता है, क्यों? वो दोनों का हमारे गुरु का होगा झट से समझ जाऊंगा, झट से पकड़ लेगा। हमारे गुरु का नहीं होगा तो रोज रोज उसको समझाते हम कुछ देर बैठे वैसे के पीछे माथा क्यों मारे? ये तो अगर समझ भी जाएगा तो आगे चल के हमको तो हमको धोखा धोखा देखे चला जाएंगे। ये हमको धोखा देखे जाना ही है तो स्वर्ग की स्थापना में विघ्न बनेगा या स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी बनेगा? विघ्न बनेगा तो बैल की पूजे मार और यहाँ को भगवान का घर है, मिल रही है तो हम यहाँ छोड़ के वहाँ क्यों जाएं? और ब्रह्मा दुनिया में भी बाहर की दुनिया में भी कहते हैं हमें स्वर्ग यही है, यही हमको सुख मिल रहा है, तो हमें स्वर्ग में जाने की क्या दरकार? हमें क्या पुरस्कार करने का? ऐसे लोग तो सुनाते थे, लोग ऐसे ही बोलते हैं हमको यही सुख मिला फिर वहाँ इधर उधर जाने की क्या जरूरत? बाबा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्वर्ग की स्थापना बताया, तो चैतन्य में कौन है यमुना नदी? क्लियर नहीं। चैतन्य में यमुना नदी कौन है? मतलब यमुना का यमुना कौन है? तीनों नदियों में पहले जन्म किसका है? यमुना का, गंगा का या सरस्वती का? पहले कौन आती है? सूर्यपुत्र यमुना का जन्म पहले क्या? तो जो यमुना नदी है वो पहले पहले ज्ञान में आती है, आती है लेकिन तरीके से ज्ञान उठाती नहीं है, विपरीत बुद्धि हो जाती है, कांटों के जंगल में चली जाती है, तो उसको कहते हैं काली तुलसी। मणिमंदिर मंदिर रुक जाती है तो नाम पड़ जाता है रुकमणि, रुक अभी रुक मणिमंदिर रुक जाती है। दूसरा नंबर लेने दे, कितना अच्छा मैंने कहना बाबा, मरी बच्चे लोग
क्राइस्ट की माँ को मिस कहते हैं कि मिसेज कहते हैं? मिस कहते हैं। ये जो विधर्मी होते हैं ना, ये मिस से पैदा होते हैं। अकेली क्राइस्ट की बात नहीं है, क्रिश्चियन से पहले तो इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म आया, वो भी किसकी औलाद है? जिसकी औलाद है वो मिस कही जाती है, लेकिन वास्तव में मिस थी नहीं, इसलिए उनके धर्मशास्त्र का नाम ही पड़ता है राम। राम कैसी माने खराब। भारतवर्ष में कोई राण विवाह भी बन जाता है तो उसको अच्छा समझा जाता है, जो इधर उधर नजर न डाले, दोबारा शादी न करे, तो उसको कहते हैं ये फिर भी ठीक है। लेकिन अगर कहीं उल्टा रास्ता पकड़ लिया, वीडियो होने के बाद फिर कहीं उल्टा रास्ता पकड़ लिया, तो उसे क्या कहेंगे? पूरा वो उनकी बाइबिल, वो क्या नाम, कुरान, उसी को फॉलो क्रिश्चियन से किया है। कहते हैं क्राइस्ट का जन्म हुआ, किससे जन्म हुआ? शादी शुदा नहीं थी। अरे बाबा, बाबा कैसे नहीं देते शादी, माना क्या धोल मदीरा बजाने में शादी कहते हैं? शादी माना विकार में जाना, माना शादी विकार में जाना, वो तो कोई ढोल मदीरा बजा करके विकार में जाना थोड़ी होता है, वो गुप्त चुप भी चले जाते हैं, बच्चा पैदा हो गया, उन्होंने प्रभु बंदा कर दिया कि वर्जन से पैदा हुआ। बाइबल में तो यहाँ से उसका जो बाइबल की किताबें किसे लिखी है? जैकब था उसका, उनका तो ये जिक्र आता है, ये फिर क्यों कह देती है कि वर्जन मैरिज? क्रिसमस कार्ड क्या कहेंगे? क्रिसमस आता है तो क्या लाता है बच्चों के लिए? क्या लाता है? खेल खिलौने लाता है। जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं तो उनका खेल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है कहेंगे किस बात में खुश हो जाते हैं? छोटे छोटे उनको खिलौने दे दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो बेसिक नॉलेज में चलने वाले हैं, तो छोटे छोटे खिलौने उनको मिल जाएंगे बाद में। किसी को 15 कला की जीवन मुक्ति, किसी को 14 कला की जीवन मुक्ति, कम कलाओं की जीवन मुक्ति मिल जाएगी, सुख धाम शांति धाम मिल जाएगा, वो दूसरे अपने खुश हो जाएंगे। अगर सेंटा क्लॉज जो ये बनाते हैं, कहते हैं ये भी तो दोनों का मिक्सचर है, रेड और व्हाइट कपड़े पहनते हैं, रेड है पनम धाम की निशानी और व्हाइट है हमारे जो जो ज्ञान का प्रकाश, ये जब दोनों आते हैं तो क्या करते हैं? बच्चों को तोहफे ही तो देते हैं ज्ञान रत्न, तो बच्चों को तो तोहफे मिलेंगे, तो तोहफे मिलेंगे ज्ञान रत्न सेंटा क्लॉज से, किससे तोहफे मिलते हैं? बच्चों को या बड़ों को? बच्चे ज्ञान के बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को बेबी कहते हैं, तो बेबी से पैदा होने वाले कौन होंगे? बेबी से पैदा होने वाली बेबी, उनको राजा ही तो मिल न सके। राजा ही बड़ों को मिलती है, छोटों को मिलती है? बड़े हो जाते हैं उनको राजा मिलते हैं, छोटे 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 खिलौने भी खुश हो जाते हैं।
बाबा जो बादली माता है सेवा करने वाले वाचा से सेवा नहीं कर पाते, तो माता से करते हैं लेकिन उनको अपने घर में जो भी लोग हैं चिल्लाते हैं बिल्लाते हैं गाली देते हैं गिलानी करते हैं उनकी बात से सेवा करें खुश हो करके नहीं कर सकते तो क्यों आ जाता है क्रोध आ जाता है सेवा नहीं हो पाई सेवा तो कर सकते हैं ना होते ही नहीं ये बात नहीं करते तो जो मानसा सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट ही उस सामने नहीं आता वाचा सेवा ही स्थूल है या मनसा सेवा स्थूल है वाचा सेवा जब स्थूल सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो मनसा सेवा तो और कठिन है ज्यादा एकाग्रता की कौन सी सेवा में जरूरत है मनसा सेवा में या वाचा सेवा में यहाँ तो वाचा नहीं फेल हो गए तो मनसा सेवा का रिजल्ट कैसे निकलेगा वाचा को कंट्रोल करें जैसे घर में लड़ाई लड़ते हैं इग्लानी करते हैं तो बाबा ने हमको मंत्र दिया हुआ है क्या मंत्र दिया है एक कान से करो दूसरे कान से निकाल दो कान होते हुए सुनते हुए भी सुन रही है फालतू बातें बोल रहे बोल ले लो जब रिजल्ट निकलेगा तो इनकी समझ में आ जाएगी बात कि हम सत्य किए सत्य हम झूठे किए झूठे फालतू बात बोल रहे हैं फालतू बात पर ध्यान क्यों देते लेकिन जय अभिमान है तो फालतू बात के ऊपर ध्यान ज्यादा चला जाता है अपने को सिद्ध करने लग जाते हैं लड़ाई लड़ना शुरू जिद करना शुरू अमृत वेले बाबा बैठ कर याद करना और चलते फिरते याद करना और ये काम करते हुए याद करना इनमें इंटेंसिटी क्वालिटी का फर्क रहता है जिनको देखे कि लेटे लेटे नींद आती है और बार बार नींद आ रही है रोज ऐसा ही हो रहा है मुझे उतनी लगन पक्की नहीं है कि लेटे लेटे भी जैसे आंसू आंसू की याद होती है ऐसी याद नहीं टिकती है तो बैठ के याद कर बैठ के भी झुटका आता है सो जाते हैं गर्दन लटक जाती है तो चलते फिरते याद कर आराम से बैठ के याद कर सकते हैं रोज देखें चेकिंग करें आराम से बैठने और कहीं आराम ही तो नहीं आ जाता है देखिए बाबा ये तो कभी अवस्था हो जाती है ना कई बार लेटे लेटे भी इतनी अच्छा अमृत वेला होता है ऐसा बढ़िया होता है कि जो बैठ के भी नहीं होता चलते फिरते भी नहीं आप बैठे बैठे जो याद कर रहे हैं चलते फिरते भी अच्छी होगी तो कुल जन्मों का कोई अच्छा सुख तो उदय हो जाता है याद अच्छी आती है कोई दुष्ट कर्म उदय हो जाता है ड्रामा की रील में तो कितना प्रयास करते हैं कितनी मेहनत करते हैं याद आती नहीं जैसे सुबह अमृत वेले सैर करने जाते हैं मतलब एकदम अकेले रास्ते में उस वक्त याद बहुत अच्छी होती है काम एटमॉस्फेयर बहुत बिल्कुल बहुत अच्छी वॉक करते हुए पता नहीं लगता कितने किलोमीटर चले गए मतलब ध्यान उन्हें उस वक्त याद बहुत अच्छी आती है जैसे समय अलर्ट हो जाती है और जब कई को घर में बैठो थोड़ी देर पहले शुरू शुरू आधा घंटा तो अच्छा याद में मतलब खूब लग गया बाद में इंद्रिया जवाब देना चाहिए फिर चलने लग जाओ तो फिर अच्छा लगता है देखिए याद जो है मेरा कहने का मतलब जो लगन है जो क्वालिटी ये याद है किस रूप में होनी चाहिए कोई भी रूप हो कोई भी अवस्था हो कोई भी समय हो अच्छी होनी संगठन है तो अच्छी याद आ रही है अच्छे अच्छे लोग मिल गए तो अच्छी याद आ रही है स्वजन मिल गए तो अच्छी याद आ रही है दुर्जन मिल गए तो आज याद खराब हो रही है
बाबा कर्ण अच्छे को करेंगे क्या? कर्ण कर्ण पहले पैदा होता है या बाद में पैदा होता है? जो पहले पैदा होता है तो असुर होते हैं, जो बाद में पैदा होते हैं तो देवता होते हैं। लेकिन वो इतना जानते हैं, एकदम लास्ट में जो पैदा होते हैं वो भी असुर होते हैं। छोटा सबसे देखिए बाबा, ये भी तो कहते हैं कि छोटे बड़ों से सीख के ज्यादा चतुर बन जाते हैं, लेकिन बड़े तो बहुत समय के भोले रहते हैं। नहीं, वो जो अवस्था होती है प्योरिटी की स्टेज काफी धारण करते हैं, तो बड़ों में मतलब वो आ जाता है, बच्चा भी उनको ध्यान मिलता है, लेकिन छोटे तो उनसे भी ज्यादा तेज रहते हैं। जैसे बड़े तो बड़े बड़े मियाँ तो भांडल्ला बड़े बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो भांडल्ला बड़े तो बड़े मियाँ, छोटे भी तो भांडल्ला। वो चित्राल में हो जाते हैं, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको माँ बाप का एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, इसलिए बिगड़ जाता है। कई दफा प्यार जो है किसी तिरंग को उभारता भी है, कई दफा तिरंग को खराब भी करता है। जितना लगाव पूर्वक जो काम होगा वो बिगाड़ेगा। प्यार अच्छी चीज है लेकिन लगाव पूर्वक होता है वो बिगाड़ देगा, वो उसमें डिपेंडेंट हो जाता है। बात आती रह गई थी, गुस्से में क्वेश्चन लग गया, मतलब परिस्थिति के अधीन में याद नहीं होनी चाहिए आपको, कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी समय हो, याद अच्छी अच्छी रहनी चाहिए, कठिन परिस्थिति परिस्थिति खराब हो, व्यक्तियों का संग खराब हो, समय नाजुक हो, और तेज कर देते हैं याद की अवस्था को, और तेज कर लो, ये लगाना होने चाहिए। बाबा आपने तेरा की याद सबसे अच्छी होती है, ऐसा तो मेरे की आपने तेरा याद सबसे अच्छी करके देखिए बाबू, कोई कोई का कोई अमृत मिला स्पेशल स्पेशल ध्यान दे करके बैठिए कि आज हमें बैठना ही बैठना है, हर हालत में अच्छा अच्छा अच्छी याद करके चार्ट बनाना है, चार दिन व्यवस्था देखिए कैसी होती है। अमृत मिला फाउंडेशन मिला, मकान का फाउंडेशन अच्छा होगा तो उसके ऊपर कितने भी मंजिलें करा दो, भूकंप आएगा हिलेगा नहीं, तो फाउंडेशन कच्चा है, नीचे रेत भरा हुआ है, ऊपर से बिल्डिंग खड़ी कर दी दो तीन मार दी, थोड़ा सा हिलेगा गिर जाएगा। और जब जी नींद लेके चलते हैं, जैसे हमने तो याद किया उसका, फिर नेक्स्ट डे याद किया, तो उसका पेयर करना से कि कल से आज मेरी बेटर याद है, तीसरे दिन और अच्छी याद है, कि ऐसे ध्यान देने से इम्प्रूवमेंट नजर आती है। लेकिन अगर उस तरफ ध्यान नहीं दें तो फिर वो स्टैग्नेंट वहीं स्टैग्नेंट हो जाती है, आगे जात मतलब बढ़ती नहीं है। यही तरीका है कि कंपेयर करते हुए, कोताही करते करते आगे बढ़ते, उसमें अच्छा लगता है।